ऐसा एक विद्यार्थी मित्र काफी दिनों से टेम्परेली बहुत कम पैसा उनको मिल रहा है, उसकी व्यवस्था सरकार अपने लेवल पे करे, उसके बारे में भी सोचे। एक कर्मचारियों की काफी कमी है, जहाँ एक एक दो दो ग्राम विकास अधिकारी लग रहे हैं, तीन तीन चार चार पंचायतों पे JNEA INEA, ये सभी इस कार्यकाल में, इस सरकार में वास्तव में कर्मचारियों की खूब कमी है। माननीय सभापति महोदय, आप तो कलेक्टर हैं और आपको तो काफी नॉलेज है, इस सरकार को आप अभी मंत्री जी बोले उस टाइम के इनके कर्मचारियों की कुछ कर लें, क्योंकि साल डेढ़ साल बचा है, उसमें कुछ कर लेंगे तो थोड़ा सरकार के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एक प्रशासन गांवों के संग अभियान चले, खूब वाई वाई हुई, सरकार ने खूब वाई वाई लूटी, पर धरातल पे सभापति कुछ नहीं हुआ, केवल पट्टे पट्टे देसी पंचायत ऐसी देती है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुए। कोई लगाओ तो ऐसा लगाओ वहां विकास और डेवलपमेंट का कोई काम लगाओ, कोई पैसा दो, इस तरह का कोई काम करो तो वो अच्छा होगा। एक MLA और MP फंड के जो पैसे हैं वो धार्मिक मंदिर वगैरह में नहीं लगते। सभापति महोदय, इन मंदिरों की, मस्जिदों की, इनकी जिनकी भी व्यवस्था है, इनको अगर कहां से पैसा आएगा, कहां से डेवलपमेंट होगा? MLA और MP का फंड जो पैसा है वो मंदिरों में लगे, मंदिरों का अच्छा डेवलपमेंट हो, क्योंकि धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है और धार्मिक आस्था के कारण ही आप देखो आज UP में कितनी सीटें हैं, सब वो एक बड़ा कारण है। एक सभापति महोदय, पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र काफी दिनों से टेम्परेली बहुत कम पैसा उनको मिल रहा है, उनको अच्छा पैसा मिले, उनके पैसे भी बढ़ाए, मानदेय भी बढ़ाए और उनको परमानेंट भी करें, क्योंकि चुनाव के टाइम तो आपने वाई वाई खूब ले ली, उन लोगों के वोट भी ले लिए, उनका हमने आपको परमानेंट कर देंगे, वो कर देंगे, और कागजों में कुछ हुआ नहीं है, उनको परमानेंट कर दो, वरना आपकी दशा बहुत बुरी होगी, और इतनी बुरी होगी सभापति महोदय मैं आप भी कह नहीं पा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बैरूसिंह जी शेखावत को धन्यवाद दूं कि इन पंचायत राज में उन्होंने आरक्षण लागू किया, उसी तरह SC ST OBC